एक अद्भुत सैनिक और एक पौराणिक कहानी का नायक, तुम्हारा भाई जिसे देवता मानते हैं, जब वो आएंगे, और वो जरूर आएंगे, रामा राजू का नेता के रूप में विकास। हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्प्रिया, मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त, और आज मैं खबर लेकर आई हूँ फिल्म RRRR के बारे में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीतारामा राजू, जिसका रोल प्ले करने वाले हैं रामचरण, उनके बारे में कि कैसे उनका एक सन्यासी से आदिवासियों के नेता के रूप में विकास हुआ। अल्लूरी अपने हाई स्कूल के दिनों में अक्सर अपने अंकल का घोड़ा लेकर पहाड़ी इलाकों में चला जाया करता था, जहां पर आदिवासी लोग रहा करते थे। अल्लूरी अक्सर उन आदिवासियों के पास जाया करते थे, जिससे वो उन तकलीफों के बारे में जानती थी जो इन आदिवासियों को ब्रिटिश सरकार की वजह से झेलनी पड़ती थी। जब अल्लूरी 18 साल के हुए तो वो एक सन्यासी बन गए। उन्हें तीर्थ यात्राएं करना काफी अच्छा लगता था। अल्लूरी आदिवासियों से भी सिर्फ फल और शहद जैसी चीजें लिया करते थे। इसके अलावा दी गई सारी चीजें वो अपने आशीर्वाद के साथ उन्हें वापस कर दिया करते थे। अल्लूरी सीताराम राजू के इस करिश्माई नेचर के चलते सभी आदिवासी लोग उनकी इज्जत करने लगे थे। आदिवासियों के बीच अपना प्रभाव और बढ़ाने के लिए अल्लूरी जानबूझकर अपने बारे में भ्रम फैलाने लग गए थे और दूसरों के द्वारा उनके बारे में फैलाए गए भ्रम को स्वीकार करने लग गए थे, जिसकी वजह से आदिवासी लोग समझने लगे थे कि अल्लूरी के अंदर दैविक शक्तियां हैं और वो उनकी सभी तकलीफों को खत्म कर सकते हैं। अल्लूरी आदिवासियों की तकलीफों को सुनने लगे थे और उनकी तकलीफों का सलूशन भी ढूंढते थे। अल्लूरी ने आदिवासियों को उन्हें हक के बारे में पढ़ाना शुरू कर दिया और इसी के साथ ही अल्लूरी ने आदिवासियों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, क्रिश्चियन मिशनरीज और पुलिस के द्वारा उन पर किए जा रहे उत्पीड़न और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। कई सालों तक जंगल में रहने और घूमने की वजह से अल्लूरी को जंगल की भौतिक विशेषताएं समझ आ गई थी और आदिवासियों के हक के लिए विद्रोह करना जारी रखते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ RRR की कहानी यही खत्म होती है। आप हमें जरूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।